नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल माँ शाकंभरी कोचिंग पर हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8th मैथ प्रश्न 2.2। हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक सोल्व कर लिया था। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है, यदि उनमें अंतर 18 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं, क्वेश्चन में क्या दे रखा है। दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है। अगर कोई संख्या अनुपात में है तो हम इसको 5x और 3x के रूप में लिख सकते हैं। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यदि उनमें अंतर 18 है, यानी दोनों संख्याओं 5x व 3x के बीच 18 का अंतर है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब करेंगे प्रश्न अनुसार, यानी क्वेश्चन में दे रखा है 5x व 3x के बीच अंतर है 18 का, यानी 5x माइनस कर देंगे 3x, यानी अंतर का मतलब होता है माइनस, कितने का अंतर है 18 का। आगे करते हैं, 5x में से माइनस करेंगे 3x तो हमें 2x प्राप्त होते हैं, इधर आ जाएगा 18। अब x बराबर दे रखा है 18, इधर 2 गुणे में तो आपके हो जाएंगे भाग में 2, यानी 2 का भाग 18 में देंगे तो x का मान हमें प्राप्त होगा 9। ये आपके x का मान आ गया, लेकिन हमें ज्ञात करनी है दोनों संख्याएं, यानी एक संख्या तो आपके पास 5x है और दूसरी संख्या आपके पास 3x। आगे करते हैं, यानी 5 के 5 रख देंगे और x का मान कितना है 9, यानी 9 कर देंगे, फिर 3 के 3 कर देंगे और x का मान कितना है 9। अब 5 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 45 प्राप्त होते हैं, और 9 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं हमें प्राप्त होते हैं 27, यानी इसमें पहली संख्या हो जाएगी 45 और दूसरी हो जाएगी 27। और क्वेश्चन कह रहा था यदि उनमें अंतर 18 है, बाप घटाओगे 45 27 तो बच जाएंगे 18, यानी इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, आपको तीनों पूर्णांक याद करने हैं। इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। माना कि पहली पूर्णांक संख्या एक्स है, और दूसरा पूर्णांक मानेंगे एक्स प्लस 1, तीसरा मानेंगे एक्स प्लस 2। इसका मेन कारण क्या है, 3 लगातार पूर्णांक होने चाहिए और इनका योग कितना होना चाहिए 51, क्वेश्चन में दे रखा है। अब करेंगे प्रश्न अनुशान। 3 लगातार पूर्णांकों का जोड़ 51 है, और 3 पूर्णांक कौन कौन से माने हमने, अक्ष, अक्ष प्लस 1, अक्ष प्लस 2, इनका जोड़ कितना है टोटल 51, यानी कितने अक्ष हो गए 1, 2, 3 अक्ष हो गए, इधर प्लस का 1, प्लस के 2, प्लस के 3 होते हैं, इसके बराबर आ गया 51। अब करेंगे 3x बराबर 51 दे रखा है, प्लस 3 का कर देंगे पक्षांतरण तो माइनस के हो जाएंगे 3, इसका कारण क्या है पक्षांतरण करने पर। 3x बराबर अब बाकी करेंगे 51 में से 3 घटाएंगे तो हमें 48 प्राप्त होते हैं, यानी x बराबर आ गया 48, इधर आपके 3 गुणे में तो आपके हो जाएंगे भाग में, यानी 3 का भाग देंगे 48 में तो हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा 16, यानी x का मान आया 16। अब ज्ञात करेंगे तीनों पूर्णांक, और आपको पता है पहली पूर्णांक संख्या कौन सी थी x, और इसका मान कितना आ गया 16। अब करेंगे दूसरा पूर्णांक, यानी x प्लस 1, और x का मान कितना है 16 प्लस 1, इसका उत्तर हो जाएगा 17। अब करेंगे तीसरा पूर्णांक इसी प्रकार, अक्ष प्लस 2, अक्ष का मान कितना है 16 प्लस 2, कितना हो गया 18, यानी आपके 16, 17, 18, ये तीनों पूर्णांक हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे। 8 के 3 लगातार गुणजों का योग 888 है, तो गुणजों को ज्ञात कीजिए। आपको क्वेश्चन को अच्छी तरह समझना है। 8 के 3 लगातार गुणज, यानी 3 लगातार गुणज होने चाहिए वो भी 8 से, और उनका जोड़ कितना है 888, और हमें ज्ञात करना तीनों गुणज। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। माना कि 8 का प्रथम गुणज हो जाएगा 8x, और दूसरा गुणज हो जाएगा 8x प्लस 8, इसी प्रकार तीसरा हो जाएगा 8x प्लस 16। अब करेंगे प्रश्न अनुसार, यानी क्वेश्चन में क्या दे रखा है। 8 के 3 लगातार गुणजों का योग 888, और कौन कौन से माने अपन ने 3 गुणज, 8x, 8x प्लस 8, तीसरा है 8x प्लस 16। 8 के 3 लगातार गुणजों का योग 888 है, और आपके पास 3 लगातार गुणज है 8x, फिर दूसरा है 8x प्लस 8, तीसरा 8x प्लस 16, इनका जोड़ कर देंगे, यानी प्लस का चिन्ह लगा देंगे बीच में, तब हमें 888 प्राप्त होते हैं। अब आगे सोल्व करते हैं। इसमें 8x प्लस 8x प्लस 8x, यानी कितने हो गए 24x, अब प्लस के 16 और प्लस के 8 कितने होते हैं प्लस के 24, इधर आ गए 888। करेंगे 24x बराबर है 888 प्लस 24 का कर देंगे पक्षांतरण तो माइनस के हो जाएंगे 24, पक्षांतरण करने पर इधर आ गया 24x बराबर 864, और हमें ज्ञात करना है अक्ष का मान, यानी अक्ष बराबर कितना है 864 उतार देंगे, इधर आपके 24 मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में हो जाएगा 24, 24 का भाग देंगे 864 में, तब हमें अक्ष का मान प्राप्त होगा 36।
यानी आपके पास अक्ष का मान आ गया 36 और हमें ज्ञात करना है तीन गुणज कौन कौन से है, 8x, दूसरा 8x प्लस 8, तीसरा 8x प्लस 16 है, यानी प्रथम कितना है 8x, यानी 8 के 8 उतार देंगे और अक्ष का मान कितना है 36, यानी इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 को, तब हमें प्राप्त होते हैं 288। अब इसी प्रकार दूसरा निकालेंगे, 8 के 8 उतार देंगे और अक्ष का मान कितना है 36, साइन दे रखा है प्लस का, प्लस कर देंगे, 8 इंटू 36 करते हैं तब हमें 288 प्राप्त होते हैं, साइन दे रखा है प्लस का, प्लस कर देंगे 8, दूसरा आ जाएगा 296। अब करेंगे तीसरा 8x प्लस 16, यानी 8 के 8 उतार देंगे और अक्ष का मान कितना हमारे पास 36, साइन दे रखा है प्लस का, 16 के 16 कर देंगे, 8 इंटू 36 करते हैं तब हमें 288 प्राप्त होते हैं, साइन दे रखा है प्लस का, प्लस कर देंगे, आगे उतारेंगे 16, अब इनको जोड़ेंगे तब हमें प्राप्त होंगे 304। यानी इस प्रकार आपके प्रथम गुणज हो गया 288 और सेकंड गुणज है 296 और तीसरा गुणज है 304। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे, तीन लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें क्रमशः 2, 3 तथा 4 से गुणा कर योग करने पर योगफल 74 प्राप्त होता है, तीनों पूर्णांक याद कीजिए। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, माना कि पहली पूर्णांक संख्या एक्स है, तीन लगातार पूर्णांक की बात कर रहा है, तो दूसरा पूर्णांक हो जाएगा x प्लस 1 और तीसरा पूर्णांक हो जाएगा x प्लस 2। अब करेंगे प्रश्न अनुसार, यानी आपसे क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, तीन लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें किससे गुणा करना है, एक को 2 से गुणा करना है, दूसरे पूर्णांक को 3 से और तीसरे पूर्णांक को 4 से गुणा करना है। यानी हमारे पास प्रथम पूर्णांक है x, इसको 2 से गुणा करेंगे 2x आ जाएगा, फिर इनका योग भी करेंगे प्लस कर देंगे, और दूसरा पूर्णांक कितना है एक्स प्लस 1, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर जोड़ करेंगे, फिर तीसरा पूर्णांक कितना है एक्स प्लस 2, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमें प्राप्त होते हैं 74। अब आगे उतारेंगे 2x, साइन दे रखा है प्लस का, 3 को x से गुणा करते हैं 3x आते हैं, फिर साइन दे रखा है प्लस का, 3 को x से गुणा करते हैं 3 आते हैं, फिर साइन है प्लस का, 4 को x से गुणा करते हैं 4x आ गए, बीच में साइन है प्लस का, 4 को 2 से गुणा करते हैं 8 आता है, इसके बराबर है 74। अब जोड़ेंगे एक्स एक्स वाली संख्याओं को, 2x प्लस 3x प्लस 4x, यानी 4x 3x कितने हो गए 7x प्लस 2x कितने हो गए 9x। अब बीच में साइन दे रखा है प्लस का, अब जोड़ेंगे 8 और 3 कितने होते हैं 11, इसके बराबर है 74, 9x बराबर आपके 74, प्लस 11 का करेंगे पक्षांतरण तो आपकी हो जाएगी माइनस में पक्षांतरण करने पर। अब आगे करते हैं, 9x बराबर आगे बाकी करने पर 63, x बराबर अब भाग देंगे 9 का इस 63 में, तो हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा 7, यानी x का मान आया 7 और हमारे पास तीन पूर्णांक कौन कौन से थे, प्रथम पूर्णांक x था, दूसरा पूर्णांक x प्लस 1, तीसरा पूर्णांक x प्लस 2, यानी हम तीनों पूर्णांक याद करेंगे, यानी पहला पूर्णांक कौन सा है x और x का मान कितना आ गया 7, यानी प्रथम पूर्णांक हो जाएगा 7। अब इसी प्रकार करेंगे सेकंड पूर्णांक x प्लस 1, x का मान कितना है 7 प्लस 1 कर देंगे, तो हमें दूसरा पूर्णांक प्राप्त हो जाएगा 8। अब करेंगे तीसरा पूर्णांक x प्लस 2, x का मान कितना है 7 प्लस कर देंगे 2, तो हमें 9 प्राप्त होंगे तीसरा पूर्णांक, यानी इस प्रकार 7, 8, 9 ये आपके तीन लगातार पूर्णांक हो जाएंगे। ये आपके क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है।